झुंझुनू टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपका विधायक आपका गांव अभियान के तीसरे चरण के तहत बुधवार को कस्बे के जेजूसर गांव में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में नवलगढ़ के विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जन समस्याएं सुनी। अभियान के तीसरे दिन बुधवार को जब डॉक्टर शर्मा गांव जेजूसर पहुंचे तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। सरपंच दिनेश एचरा की अगुवाई में डॉक्टर शर्मा को घोड़ी पर बैठाकर शिविर स्थल पंचायत भवन लेकर आया गया, जहां पर ग्रामीणों ने माला अर्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी की ओर से बुधवार को वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वाहन रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचे तथा जिला कलेक्टर दिनेश यादव को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश बराला, अमीलाल, गुलझारी लाल, अनुज, सुभाष चंद्र, राजेश बबेरवाल, बनवारी लाल, महेंद्र सिंह, सावन लाल मीना, परमेश्वर लाल मीना, सुमन देवी, सुनीता देवी, अनीता देवी, अनिल कुमार, सुनील कुमार, अनुप, ओम प्रकाश धनखड़, सुप सिंह मालावत आदि कई मौजूद रहे। गोरखपथ सड़क देखकर चौंके ना, सड़क पर जगह जगह गड्ढे। जी हाँ, ये गोरखपथ सड़क है चिड़ावा की। शिलान्यास के पत्थर पर गोरखपथ का निर्माण तो रेलवे स्टेशन चिड़ावा से चुंगी नाका तीन से होते हुए नया बस स्टैंड तथा मंडेला रोड तिराह तक होना बताया गया है, लेकिन निर्माण हुआ नए बस स्टैंड तक। फिर अब कुछ समय के बाद ये गोरखपथ सड़क टूटना भी शुरू हो गया है, वो भी उद्घाटन से पहले ही। जी हाँ, उद्घाटन से पहले ही ये सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। शिलान्यास अजा आयोग के चेयरमैन विधायक सुंदर लाल ने किया। शिलान्यास 2 अप्रैल 2017 को हुआ। इसके बाद गोरखपथ का निर्माण सही हुआ या फिर नहीं, ये जानने के लिए ना तो मंत्री साहब पहुंचे ना ही कोई और। वहीं नगरपालिका चेयरमैन मधु शर्मा बार बार पीडब्ल्यूडी विभाग को सूचित करते रहे कि निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिल रही है, लेकिन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। वैसे तो भाजपा सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक विकास के दावों का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि नेताओं को सिर्फ पत्रों में अपना नाम और शिलान्यास करवाने तक की ही जिम्मेदारी है। बाद में सड़क क्षतिग्रस्त हो या फिर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने की शिकायत मिले, इससे कोई सरोकार नहीं है। इस मामले में पूर्व चेयरमैन सुभाष शर्मा एवं वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र कटेवा का क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। राज्य सरकार के गोरखपथ योजना के अंतर्गत चिड़ावा नगर पालिका में भी पीडब्ल्यूडी द्वारा गोरखपथ बनाया गया। जिस वक्त ये गोरखपथ बन रहा था उस वक्त भी लोगों की शिकायतें आई। मुझे याद है उस वक्त नगर पालिका अध्यक्ष ने एक्शन साहब को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाए, लोगों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं किया गया और जो गोरखपथ बना वो आज स्थिति आप सबके सामने है, वो टूट चुका है। उसके बारे में मैं एक्शन साहब से, एएन साहब से भी मिला। एएन साहब को मैंने कहा कि साहब ये आपके द्वारा बनाया गया गोरखपथ टूट गया, नगर पालिका का मामला है और लोगों की बड़ी शिकायतें आ रही है, इस ओर कृपया ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि जगह जगह पानी की पाइप टूटने के कारण टूटा है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, शायद बनाने में ही कोई कमी रही है। हमने सबसे पहले इसको उसी जगह जहाँ पे ये गोरखपथ बना है उसके लिए इस कारण से हमने उसको चूज किया था कि ये एरिया सुधर जाए, लेकिन उसमें बनने के बाद भी कोई गुणवत्ता से नहीं बना और नहीं विधिवत वो बनाया। चारों ओर से जो पानी की जो ड्रेनेज था वो गंदे पानी का वो भी आ रहा है, उससे अब ये सड़कें टूट गई हैं और उससे भी बुरी हालत हो जाएगी थोड़े दिन में, ये स्थिति होगी। कोई न तो रोड का लेवल सही है, न डिवाइडर जो बने हैं वो भी सही हैं, वो भी टूट गए बनने से पहले ही टूट गए, जो कि अभी तक होता है। हमें ये भी शंका थी, हमने शिकायत भी की थी इस कारण कि भई ये डिवाइडर है सही ढंग से नहीं बन रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसी कारण ये दुर्दशा हो गई, टूट रही है। लोकार्पण तो जब होगा जब ये सही रहेगा, ये तो और भी ज़्यादा टूटता जाएगा, तो लोकार्पण किस बात का होगा। और अभी इसके 15 लाख रुपये बचे हुए हैं, वो भी कोई काम ही नहीं दे रहे, वो कहाँ जाएंगे इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नहीं है, वो किस ढंग से आए। पहले वहाँ तक मंडेला मोड़ तक था, लेकिन वो बहुत छोटा कर दिया, वो भी गुणवत्ता के आधार पे सही नहीं बना,
और न लेवल है और न पानी का ड्रेनेज सही किया गया। इसकी जांच की हम मांग करते हैं और अगर जांच नहीं होगी तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और प्रभावी ढंग से करेंगे। तो लोग तैयार हैं इसके लिए। वहीं चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उदयपुर वाटी में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम की कुछ झलकियों के साथ, जिन्हें की उदयपुर वाटी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सेखावाटी के प्रसिद्ध तीर्थ लोहारगल के सूर्य कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि यह पूर्णिमा पर स्नान करने पर पुण्य मिलता है।